तो चलो चलो आज बनाते हैं टेस्टी सा रसमलाई। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल आने दे। उबाल आ जाने के बाद मैंने यहाँ पर 1 लेमन का जूस लिया है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो दूध है ना फट जाता है। उसके बाद हम इसे चलाना है और आप देख सकते हो छेना और पानी बिल्कुल अच्छी तरह से अलग हो चुका है। और हम इसे चलाते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से और कर लेना है। फिर जब ये इसे ठंडा होने दे उसके बाद हमें क्या करना है, सूती कपड़े में जितना छेने रहता है ना उसको एक कपड़े में डाल लेना है और उसका पानी को रिमूव कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से करें, पानी नहीं गिरना चाहिए। छेना को बिल्कुल अच्छी तरह से एक कपड़े में डाल लें, फिर उसके बाद इसे रिमूव करें। उसके बाद ठंडे पानी से मैंने इसे देख सकते हैं हाथ से मसल मसल के धो लिया, इससे इसका एक्सेस जो रहता है जो भी दूध वगैरह ये निकल जाता है। और हमें ये प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से करना। आप देख सकते हैं मैं इसका पानी अब निचोड़ के, इसका पानी जितना भी एक्सेस पानी हो सकता है ना बिल्कुल आप निचोड़ लें। और उसके बाद गाइस यही प्रोसेस से पनीर बनता है, आप इसका पनीर भी बना सकते हैं, बट मुझे तो यहाँ रसमलाई बनाना है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है। और अब हमें इसका डो तैयार करना है। हाथ से मैंने यहाँ पर इसे मसल लिया है, अब मैं इसका डो तैयार करूँगी। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना कॉर्नफ्लोर इससे बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से ये मसल रही हूँ, कम से कम इसे 15 से 20 मिनट तक मसलेगा जब तक ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो जाए। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना सॉफ्ट हमारा डो बनेगा उतना परफेक्ट हमारा रसमलाई बनेगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करें। आप देख सकते हो परफेक्ट डो तैयार है। अब हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं। तो अब हमें ये रस बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, इसे बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने दें। अब हमें ध्यान रखें कि इसे चलाते रहना है, बिल्कुल सा क्रीम को हमें इसमें जमने नहीं देना, बिल्कुल अच्छी तरह से जलाना है। मैंने यहाँ पर फूड कलर और इलायची पाउडर ऐड करके इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी लिया है, ज़्यादा चीनी ना ऐड करें क्योंकि जो रबड़ी हमारा है ना ये गाढ़ा बहुत हो जाएगा तो ये बहुत ही मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिया थोड़े, काजू और बादाम, आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो। अब देख सकते हो जो मिल्क है ना वो 1/4 हिस्सा में आ चुका है, तो ये रेडी है, इसे साइड करने के लिए छोड़ दे ठंडा में। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है और 4 कटोरी हमें पानी लेना है और इसका चाशनी तैयार करना है। और इसमें इलायची भी डालकर मैंने इसे बॉईल आने दिया। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तब हमें इसके बाद हमें यहाँ पर डो तैयार करना। तो मैंने आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट फ्लैट बॉल बनाया है और मैं यहाँ पर छोटे छोटे और बॉल भी बनाती हूँ। आपको जैसा पसंद आप इस टाइप से आप रसगुल्ला शेप में बना सकते हो छोटे छोटे बॉल। आप देख सकते हो मैंने खोलते हुए पानी में इसे हमें डिप कर देना है और इसे हमें कुक करना है, कवर करके 15 से 20 मिनट तक हमें कुक करना जब तक कि चाशनी पानी ऑब्जर्व ना कर ले, रसगुल्ले के अंदर अच्छी तरह से ना चल जाए। देख सकते हो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और हम अब क्या करेंगे, जो रसगुल्ले हैं ना इसे हमें निकाल के बिल्कुल अच्छी तरह से सेपरेट कर लेंगे चाशनी से और एक प्लेट में रख देंगे साइड करके। उसके बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पर साइड करके रख लिया है। उसके बाद अब एक हमें बर्तन लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर जितने भी हमने बनाए थे ये जो रसमलाई वाले जो इतने भी रसगुल्ले हैं उसे मैं एक एक करके सब में डाल दूँगी। ये छोटे छोटे बॉल्स भी मैंने बनाए थे रसगुल्ले, मिनी रसगुल्ले, ये मैंने सबको ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम ये जो रबड़ी तैयार हो चुका है ठंडा हो चुका है वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व ना कर लें। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, आपको अगर ठंडा ठंडा खाना पसंद। तो जब ये रेडी हो चुका मैं इसे सर्व कर रही हूँ। सर्व करें आप अपने मनपसंद, आप इसके ऊपर से भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, आपको जैसा पसंद है वैसा करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।